हेलो स्टूडेंट्स, हमने अभी लास्ट वीडियो में पढ़ा था क्या, क्लासिफिकेशन पे चल रहे थे हम। किसके क्लासिफिकेशन पे चल रहे थे? हेलो एलिगेन के क्लासिफिकेशन पे। आज देखिए हम किससे स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन हमारा जो चल रहा था वो आधा ही हुआ था। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हम हेलो एल्केन का क्या पढ़ रहे थे? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो देखो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आज हम फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं। हम यहां लिख लेंगे क्या, हेलो एल्केन। हेलो एल्केन मैंने आपको कल क्या बताया था, कितने टाइप्स के होते हैं? हेलो एल्केन मैंने आपको बताया था तीन टाइप के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन। पहला कौन सा बताया था? बहुत ही जीवन में बताया था, मोनो हेलो एल्केन। क्या बताया था? मोनो हेलो एल्केन, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा आपको बताया था डाई हेलो एल्केन। क्या बताया था? डाई हेलो एल्केन, शॉर्ट में इसको ऐसे लिखा था ना। और तीसरा आपको ट्राई हेलो एल्केन बताया था, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पॉली हेलो एल्केन। क्या? पॉली हेलो एल्केन, ठीक है। पॉली हेलो एल्केन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ट्राई तो सिर्फ तीन के लिए आता है कि यदि किसी कार्बन से क्या है, तीन हेलोजन जुड़ रहे, यानी तीन हेलोजन जुड़ रहे हो तो हम क्या है, ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे। लेकिन तीन से ज्यादा जुड़ रहे हो तो फिर तो उनको टेट्रा हेलो एल्केन बोलेंगे। चार हो तो, पांच हेलोजन जुड़ रहे हैं तो पेंटा हेलो एल्केन, और छह जुड़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम, हेक्सा हेलो एल्केन। ऐसे बढ़ते जाते हैं तो उन सबको ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन, पेंटा, हेक्सा, सारे किस्म आएंगे इस पॉली हेलो एल्केन में आएंगे। अब देखो इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था, मोनो का मतलब वन होता है, मतलब कि एक हेलोजन अगर जुड़ रहा है, एक हेलोजन अगर आपके कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन के चेन में किसी कार्बन से जुड़ रहा है तो वो होता है मोनो हेलो एल्केन। अगर दो हेलोजन जुड़ते हैं तो डाई हेलो एल्केन, और अगर दो से ज्यादा जुड़ रहे हैं तो पॉली हेलो एल्केन में आते हैं। कल बता दिया था इतना। अब इससे आगे देखिए, अब हेलो एल्केन को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? थ्री। हेलो एल्केन को फिर से कितने भागों में बांटा गया है? थ्री। कौन कौन से होते हैं? देखो पहला आपका होगा इसमें sp3cx, यानी कि ऐसे हेलो एल्केन जिनमें जो ये वाला कार्बन होता है ना वो क्या हो, sp3 संकरित हो, यानी कि जिस कार्बन से हेलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है वह कार्बन आपका कैसा होना चाहिए, sp3 संकरित होना चाहिए। अब sp3 संकरण क्या होता है अभी बताएंगे। एक बार क्लासिफिकेशन देखो, पहला आपका क्या होगा मोनो हेलो एल्केन में, जो अपना क्या हो, कार्बन sp3 संकरित से जुड़ा हुआ हो। इसी का दूसरा प्रकार क्या है, यदि क्या हो, कार्बन sp2 संकरण से जुड़ा हो। और तीसरा होगा कि यदि कार्बन आपका sp संकरण से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। फर्स्ट इसका क्या होगा, sp3 संकरण से अगर आपका ये कार्बन है, अगर आपका ये कार्बन क्या है, sp2 संकरित है। और तीसरा है कि आपका ये जो कार्बन है जिस पर हेलोजन जुड़ा हुआ है वो क्या है, sp संकरित है। तो आपके क्या हो गए, ये थ्री टाइप के इसके हो गए हेलो एल्केन के, ठीक है। ये क्या हो गए आपके हेलो एल्केन के थ्री पार्ट। अब कहोगे कि बताओ sp3 होता क्या है? तो देखो आपको पता होगा, जैसे आपके पास में ये है CCCX, और इसकी वैलेंस हम पूरी करना चाहे तो हम H लगा दिया, H लगा दिया, H लगा दिया, यहाँ H, यहाँ H, 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 वैलेंसी सबकी कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कल आपको बताया था। देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सबकी कंप्लीट है ना। हेलोजन की 1 होती है तो इसका भी 1 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। अब देखिए, यदि आपके पास में सारे बंद सिग्मा बंद हैं, इनको क्या बोलते हैं, सिग्मा बंद।
आपके पास में जो कार्बन है उसमें सारे सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा सिग्मा, इनसे मतलब ये रखो। आपको मतलब किससे है, आपका हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, हेलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, इस कार्बन के सारे बंद आपके, इस कार्बन के सारे बंद क्या होने चाहिए, सिग्मा। देखो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, मैम कैसे बता रहे हो ये सिग्मा है, तो आपने 11th में ही पढ़ लिया होगा, ये अकेला बंद अगर हो तो उसको सिग्मा बोलते हैं, अगर दो बंद हो तो ये नीचे वाला सिग्मा होगा और ऊपर वाला क्या होगा, पाई। अगर ट्रिपल बंद हो तो ये नीचे वाला सिग्मा बंद होता है और ये ऊपर के दोनों क्या होंगे, पाई, ठीक है ना। फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा, अगर आपके डबल बंद होते हैं तो नीचे वाला सिग्मा ऊपर वाला पाई, ट्रिपल बंद हो तो ये नीचे वाला सिग्मा ऊपर के दोनों क्या होते हैं, पाई बंद होते हैं। अब देखिए तो आपको पता लग गया अब sp3 संकरण क्या कैसे पता लगेगा, जो कार्बन आपको जुड़ा है अगर उसमें सारे के सारे सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा बंद है तो वो आपका है sp3 संकरण। पूरा अच्छे से नहीं बताएंगे, यहाँ शॉर्ट में बता रहे हैं कि अगर सारे सिग्मा बंद है तो sp3 संकरण, क्योंकि 11th में पढ़ा हुआ क्लियर। फिर है sp2 संकरण, sp2 संकृत क्या होगा कि जैसे आपके पास में है CH3CH CH और इसकी आपकी पूरी नहीं हो रही है तो ये कैच ओवर लगा दो। देखो क्या संयोजकता सबकी पूरी है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 2 3 और एक इस एच की भी क्या होगी, 4 ही तो होगी, इस एच को हम ऐसे भी लगा सकते हैं चाहे तो चाहे ना ले सकते, तो 2 3 4 इसकी भी आपकी वैलेंसी कंप्लीट है। यहाँ 1 और ये 3 एच अलग अलग लगाएंगे तो 3 और 1 4 सबकी वैलेंसी कंप्लीट है ना। अब ये बताना है कि ये जो कार्बन है वो sp3 संकृत है या sp2 संकृत है, तो देखो ये सिग्मा बंद है आपका, ये भी सिग्मा बंद है, लेकिन यहाँ आपके पास में क्या गया, पाई बंद हो रहा गया, सिग्मा तो है लेकिन इसके अलावा क्या है, पाई और है, जबकि sp3 संकरण जब होगा जब सभी में सिग्मा बंद हो, यहाँ ये दोनों सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, लेकिन ये वाला क्या गया, पाई बंद आ गया, पाई बंद आ गया, तो अब ये कौन सा होगा, sp2cx, यानी कि हेलोजन का कौन सा प्रकार है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन, कौन कौन से प्रकार है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन और sp संकरित कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन। तो आपका देखो sp3 का एग्जाम्पल ये नोट कर सकते हो, ठीक है, sp2 का एग्जाम्पल ये वाला नोट करना है आपको। अब sp का एग्जाम्पल क्या होगा, sp में आपके क्या होंगे, त्रिबंध बनाएगा, तीन बंध। देखो sp का एग्जाम्पल हम यहाँ ले, जैसे c ट्रिपल बॉन्ड c और ये लग गया x, तीन बंध यहाँ बन रहे हैं, ये सी हो गया h, ये हम देखे तो कौन सा बंध बना रहा है, देखो कार्बन है। अब यहाँ देखिए इसका सिग्मा बंद तो है, ये वाला यहाँ पर एक सिग्मा है, लेकिन ये तो सिग्मा नहीं है, ये तो पाई बंद है, बता दिया, जब ट्रिपल बॉन्ड हो तो नीचे वाला सिग्मा पर वाले क्या है, पाई बंद है। अब ये आपके पाई बंद है और ये आपके सिग्मा है, तो अब ये आपका देखो sp3 नहीं है, sp3 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ही सिग्मा होने चाहिए। sp2 नहीं है क्यों, क्योंकि sp2 में डबल बंद आता है, sp है, sp में ही क्या होगा, ट्रिपल, ठीक है, यदि पाई बंद कितने आ जाए, डबल आ रहे हैं ऊपर आपके, तो ये कौन सा हो गया आपका, sp संकृत हेलोजन, क्या होगा, मतलब sp संकृत कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन। इन सब के नोमेनक्लेचर हम अलग से पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद अगला टॉपिक क्या आएगा, नोमेनक्लेचर का ही आएगा, सबका नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ क्लासिफिकेशन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए अब आपको ये पता लग गया sp3 संकृत कार्बन वो हेलोजन, sp2 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन और sp संकृत कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, अब देखिए ये जो आपके sp3 संकृत कार्बन से जुड़ने वाले हेलोजन है इनको फिर से कितने भागों में बांट दिया, तीन भागों में, इनको फिर से कितने भागों में बांटा हुआ है, तीन भागों में,
कौन कौन से है वो तीन भाग? पहला आपका होगा एल्किल हैलाइड, क्या होगा? एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड आपके हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम होता है। हेलो एल्केन का ही दूसरा नाम क्या है? एल्किल हैलाइड। कैसे? अभी इसको समझाएंगे तो पता लगेगा। पहला आपका क्या आएगा? एल्किल हैलाइड। कोई दिक्कत है यहां तक? एल्किल हैलाइड। उसके बाद आपका आएगा एलिलिक हैलाइड, क्या आएगा? एलिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड हो गया। इसके बाद आएगा एलिलिक हैलाइड। और तीसरा आपका क्या होगा? एल्किल हो गया, एलिलिक हो गया, बेंजोइलिक हैलाइड, क्या होगा? बेंजोइलिक हैलाइड। देखो sp3 संतृप्त कार्बन से जुड़ने वाले हैलोजनों को भी फिर तीन भागों में बटा गया। कौन कौन सा? एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड, बेंजोइलिक हैलाइड। सब हम अलग से एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे अब ये वाला है, इसको भी क्या कर दिया? दो भागों में डिवाइड कर रखा है। इसको भी क्या कर रखा है? दो भागों में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से दो भाग हैं जो sp2 संकृत कार्बन से जुड़ते हैं जुड़ने वाले हैलोजन के प्रकार हैं? तो कौन कौन से हैं इनका भी बता देते हैं। एक आपका होता है विनाइलिक हैलाइड, क्या होता है? विनाइलिक हैलाइड। और एक होता है एरिल हैलाइड, क्या होता है? एरिल हैलाइड। ये जो एरिल हैलाइड होता है ये आपका हेलो एरिन का दूसरा नाम होगा। कल आपको हेलो एल्केन और हेलो एरिन बताया था ना क्या होते हैं। हेलो एल्केन का दूसरा नाम आपका एल्किल हैलाइड और हेलो एरिन का दूसरा नाम होता है एरिल हैलाइड। कैसे हुआ बताएंगे अभी, इसको पढ़ेंगे, देखिए कैसे पढ़ते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए डाई हेलो एल्केन है, ये तो आपका हो गया मोनो हेलो एल्केन का वर्गीकरण, पूरा वर्गीकरण कंप्लीट। डाई हेलो एल्केन के कोई ज्यादा पार्ट नहीं है, ना ही पॉली हेलो एल्केन के है। इसके ये पढ़ने हैं। डाई हेलो एल्केन का आपको एग्जाम्पल दे दिया था। डाई हेलो एल्केन में क्या होगा? दो क्या जुड़ेंगे? हेलो एल्केन एड होंगे, दो या दो से ज्यादा, जैसे CH3 CH, और इसमें एक एक्स आपके यहाँ लग गया, एक एक्स आपके यहाँ लग गया, ठीक है। जैसे देखो अब इसके बैलेंसी देखो, एक तो एच वाला एच लग रहा है, मतलब बैलेंसी क्या लेनी है? वन वन टू थ्री फोर, बैलेंसी कंप्लीट है क्या इसकी? कंप्लीट है। कितने हैलोजन जुड़ रहे हैं? वन टू। कितने हैलोजन जुड़ रहे हैं? टू हैलोजन। टू हैलोजन अगर जुड़ते हैं तो वो क्या होगा आपका? टू हैलोजन जुड़ने पर क्या कहलाएगा? डाई हेलो एल्केन। टू हैलोजन अगर आपके ऐड होते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है? डाई हेलो एल्केन कहलाता है। आप देखिए, और ऐसे ही इसको और ऐसे भी हो सकता है, ये CH3CH, एक यहां जुड़ जाएगा, एक यहां पे भी ऐड हो सकता है। वन टू थ्री फोर इसकी कंप्लीट है, वन टू थ्री फोर ऐसे लगा दो CH2। तो जरूरी नहीं है कि एक पर ही जुड़े दोनों हेलोजन, ये जो हेलोजन आपके हैं वो अलग अलग भी ऐड हो सकते हैं। भाई यहाँ तो एक ही कार्बन पर जोड़ दिए दोनों हेलोजन, यहाँ हमने क्या किया? अलग अलग कार्बनों पर हेलोजन जोड़े हैं। तो ऐसे जब आ जाए ना तो इनका नामकरण करने का तरीका थोड़ा अलग हुआ। यदि आपके पास में एक ही कार्बन पर हेलोजन जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पर हेलोजन जुड़े हुए हैं, तब तो आप नाम के आगे क्या लगाते हो? जैम। क्या लगाते हो? जैम, ठीक है ना। जैसे इसका नाम देना चाहे तो जैम डाई, भाई दो जुड़ रहे हैं डाई है, जैम डाई हेलो लगाएंगे, हेलो के इसके लिए जैम डाई हेलो क्या लगाएंगे? एल्केन लगा दे या फिर जैम डाई हेलो एल्केन, क्योंकि अभी हमने नॉमेनक्लेचर पढ़ा नहीं है, हमें तो इतना ही पता ही है हेलो एल्केन है। तो यहाँ ये हो गया आपका जैम डाई हेलो एल्केन। ऐसे इसको क्या बोलेंगे?
अगर आपके पास अलग अलग कार्बन पर हेलोजन जुड़ रहा हो तो उसके आगे विष लगाते हैं, क्या लगाते हैं, विषनल या विष डाई हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तब इसका, आईयूपीएसी में नाम देखेंगे। अभी ये नाम हमने क्या दिया, हेलो एल्केन के आधार पर दे दिया हेलो एल्केन, ठीक है ना, मैथेन एथेन नहीं दिया अभी हमने। ये अब आपका आएगा पॉली हेलो एल्केन। पॉली हेलो एल्केन में क्या होगा, यहाँ दो जुड़े हैं, इसमें तीन भी जुड़ सकते हैं, चार भी जुड़ सकते हैं, पांच छह कितने भी हेलोजन हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपके थ्री जुड़ेंगे तो होगा सी एच एक्स थ्री, या ऐसे ले सकते हैं सी एच सी एल थ्री। भाई कार्बन ये सी एल जुड़ गया, ये सी एल, ये सी एल, ये एक्स। तो ये आपका देखिए कितने हेलोजन जुड़ रहे हैं, वन टू थ्री, ये क्या हो गया आपका ट्राई हेलो एल्केन। अगर आपके पास चार जुड़ जाए जैसे कि सी क्लोरीन 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 क्लोरीन, चार जुड़ गए तो ये क्या हो गया आपके पास में, वन टू थ्री फोर, टेट्रा हेलो एल्केन, ठीक है ना। ट्राई हेलो एल्केन का एग्जाम्पल ये है, टेट्रा हेलो एल्केन का एग्जाम्पल ये है। वैसे इसको नाम बोलते हैं क्लोरो फॉर्म CCl4 जानते हो। तो देखिए अब आपको वर्गीकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हेलो एल्केन का पूरा वर्गीकरण यहाँ हमने कर दिया, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एल्किन हैलाइड, एलिनिक हैलाइड, बेंजोइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, एरिल हैलाइड, इनको अलग से समझेंगे। आपसे पूरा वर्गीकरण कभी कोई नहीं पूछता है कि हेलो एल्किन को वर्गीकृत कीजिए, लेकिन ऐसे पूछ सकता है कि एल्किन हैलाइड का उदाहरण दीजिए, क्या यह एल्किन हैलाइड है, क्या ये बेंजोइलिक हैलाइड है, कि बेंजोइलिक क्या ये बेंजोइलिक हैलाइड है या एरिल हैलाइड है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, या डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है विनाइलिक हैलाइड के कोई एग्जांपल दीजिए। तो ये पढ़ेंगे अब हम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई होप अब आपको नहीं होगी। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे एल्किल हैलाइड से, किससे स्टार्ट करेंगे, एल्किल हैलाइड से। तो देखिए देखिए इनमें से हम सबसे पहले क्या देखे, एल्किल हैलाइड क्या देखना है आपको, एल्किल हैलाइड आपका उसमें से जैसे फर्स्ट आप देख रहे हो एल्किल हैलाइड, एल्किल 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 क्या होते हैं, एल्केन पढ़ाया आपने, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन जैसे कि ये सी सिक्स एच सिक्स एल्केन, ये बेंजीन भाई, एल्केन क्या पढ़ा था हमने, सी एन एच टू एन प्लस टू एल्केन होते हैं, यही पढ़ा था हम। अब एन की वैल्यू यहाँ क्या है, सॉरी सी टू एच सिक्स क्या है आपका, सी टू एच सिक्स, ये आपका सी टू एच सिक्स क्या है, हेलो एल्केन, ये एल्केन क्या है, सी टू एच सिक्स क्या है आपका, एल्केन, सी टू एच सिक्स क्या है, एल्केन। तो कैसे देखो एन की जगह पर क्या है, दो है, और टू एन प्लस टू निकालेंगे तो दो इंटू दो प्लस दो फोर टू सिक्स आ गया सी टू एच सिक्स, है ना, एल्केन के फॉर्मूला से। तो एल्केन, अब यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, एल्केन में से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दें, एल्केन है ये, इसमें से एक हाइड्रोजन हमने बाहर निकाल दिया, तो फिर ये क्या बन जाएगा, सी टू एच फाइव ये बनेगा। एल्केनों में से एक हाइड्रोजन अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, फिर एल्किल, क्या बन जाता है, फिर वो एल्किल।
एल के अणु में से एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दोगे क्या बन जाएगा एल क्यू। ठीक है, अब एल क्यू तो समझ में आ गया, हैलाइड हैलाइड क्या होंगे, हैलोजन जानते हैं एफ सी एल बी आर आई हैलोजन होते हैं ना, इन हैलोजनों को इनके साथ यदि जोड़ दें, ठीक है हैलोजनों को किसके साथ एल्किल के साथ यदि हम ऐड कर दे जोड़ दे तो फिर आपका क्या बन जाता है एल्किल हैलाइड, क्या बन जाता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड सामान्य नाम है और हम इन्हीं को हेलो एल्किन बोल देंगे, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन, हेलो एल्किन सामान्य नाम है और ये भी आपको क्या सामान्य नाम। तो देखिए करके देखते हैं हेलो एल्किन ये के देखो सी टू एच फाइव एक्स सी टू है यानी कि येलो सी टू हो गई, एच फाइव है देखो एच 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 हो गई एच फाइव थ्री टू फाइव है ना, और एक्स भी लग रहा है येलो वाई एक्स। तो क्या कल मैंने हेलो एल्किन में ऐसे ही पढ़ाया था, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया था, कल किसकी सहायता से पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन की सहायता से, कल किसकी सहायता से बताया था आपको हाइड्रोकार्बन की सहायता से कि ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में किसी भी एक हाइड्रोजन को हमें हाइड्रोजन से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। तो हाइड्रोकार्बन के ही प्रकार तो ये होते हैं एल्किन एल्किन एल्काइन, तो वो क्यों वही है सेम, इसीलिए हेलो एल्किन का दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं एल्किल हैलाइड। हाइड्रोकार्बन से ये समझाया था हाइड्रोकार्बन ये एल्किन होता है, हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पड़ा होगा तीन भागों में बटा था एल्किन एल्किन एल्काइन। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड तो पूरा एक पूरा वही होता है हेलो एल्किन जो बताए थे कल आपको, एल्किन ही होता है हेलो एल्किन। तो एल्किल हैलाइड में तो कुछ भी नहीं है, क्या होगा आपका एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा हेलोजन से प्रतिस्थापित हो जाएगा। लेकिन नई चीज ये पड़ी थी कि एल्किल क्या होते हैं, एल्किन में से एक हाइड्रोजन हट गया तो वो क्या होगा आपका एल्किल, एल्किल हैलाइड नाम कैसे पड़ गया ये एल्किल हो गया और जैसे ही हैलोजन ऐड होगा क्या हो जाएगा एल्किल हैलाइड। जैसे कि अगर हम इसमें एक्स की जगह सी एल एड करें, एक्स की जगह क्या ऐड करें सी एल, तो फिर ये हो जाएगा आपका एल्किल क्लोराइड, क्या हो जाएगा एल्किल क्लोराइड या मैथ एथ एथिल क्लोराइड, क्या हो जाएगा आपका वन कार्बन है तो मैथ दो कार्बन हो तो क्या लगाते हैं एथ, तो ये हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ठीक है, ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एल्किल हैलाइड होंगे वो सारे क्या होंगे वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री, हेलो एल्किन में जो आपके हैलाइड होंगे ये क्या होते हैं वन डिग्री हो सकते हैं टू डिग्री भी हो सकते हैं और थ्री डिग्री भी हो सकते हैं। मतलब क्या है वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री से, जैसे देखो सी एच थ्री सी यहाँ लग गया एक्स और ये हो गया एच, वन टू थ्री सी एच टू कर दो, दो तीन चार ठीक है हो गई वैलेंस सबकी कंप्लीट, टू थ्री फोर थ्री वन फोर कंप्लीट है सबकी वैलेंस। एक आपके पास ये है एग्जांपल, एक एग्जांपल हम आपको दे देते हैं सी एच थ्री सी एच टू एक्स और इसमें हम जगह लगा दे क्या सी एच थ्री, वैलेंस देखो वन टू थ्री फोर कंप्लीट है ना, ठीक है और एक हम देखे हैं सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एक्स। तो अब बताइए देखो यदि आपके कार्बन जिस कार्बन से आपका हैलोजन जुड़ा है इसी से जुड़ा है हैलोजन, यह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हो, अन्य कितने कार्बन से एक से, एक से तो जुड़ा है तो यह आपका होगा वन डिग्री हेलो एल्किन, क्या होगा वन डिग्री हेलो एल्किन। यदि आपका यह कार्बन अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ हो, देखो एक दो अन्य दो से जुड़ा हुआ है क्या होगा टू डिग्री हेलो एल्किन। यदि आपका यह कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है अन्य तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है, देखो वन टू थ्री तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह आपका क्या होगा थ्री डिग्री हेलो एल्किन या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड भी बोल सकते हैं वन डिग्री एल्किल हैलाइड टू डिग्री एल्किल हैलाइड थ्री डिग्री एल्किल हैलाइड।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कैसे बताया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री? आप कार्बन देखो जिससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, यह वाला कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? अगर यह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड या 1 डिग्री हेलो एल्किल। अगर यह कार्बन आपका अन्य दो कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड या 2 डिग्री हेलो एल्किल। अगर ये वाला कार्बन आपका अन्य तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड या 3 डिग्री हेलो एल्किल। ठीक है, तो यहां अब आपकी ये एल्किल हैलाइड आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी, एल्किल हैलाइड के एग्जांपल हो गए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड क्या होती है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। देखिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एलिलिक हैलाइड, एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं। ये है आपका एलिलिक हैलाइड। देखो एलिलिक हैलाइड क्या होंगे, ये भी बिल्कुल सरल है, कुछ भी नहीं है इसमें आपको ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है, क्रियात्मक समूह आपका जिस कार्बन से जुड़ता है, जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C और ये हो गया आपका X, ये कोई हमने एक एग्जाम्पल ले लिया और इसकी ये आपका CH, भाई डबल बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4 हो गई ना बैलेंसिंग कंप्लीट। दो ये H आगे इधर भी लगा सकते, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ता है, जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ता है इसको क्या बोलते हैं, अल्फा। जिस कार्बन से फंक्शन ग्रुप जुड़ता है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे, और इसके बाद वाला क्या होगा, बीटा कार्बन होगा, और इसके आगे और होता है यदि यहाँ CH3 तो ये क्या होता, गामा कार्बन। ठीक है, अल्फा फिर बीटा फिर गामा। अब देखो एल्किल हैलाइड ऐसे हैलाइड होंगे जिनमें बीटा कार्बन, कौन सा कार्बन, बीटा कार्बन, ध्यान रखना अल्फा कार्बन नहीं होगा, कौन सा कार्बन होगा, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पर क्या हो, डबल बॉन्ड हो, द्विबंध हो, डबल बॉन्ड हो, एलिल एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, एलिलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होंगे या ऐसे हैलोजन होंगे जिनके बीटा कार्बन क्या हो, द्विबंधित हो, जिनके बीटा कार्बन पर डबल बंध हो, लेकिन अल्फा कार्बन पर डबल बंध नहीं होना चाहिए। किस पर हो, बीटा पर हो, ठीक है, गामा पर हो, अल्फा पर, गामा पर नहीं, बीटा पर, ओनली बीटा पर होना चाहिए। तो देखो ये तो फंक्शन ग्रुप हो गया, फंक्शन ग्रुप आपका मतलब ये जो एक्स है क्या है, फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ता है वो अल्फा, अल्फा के बाद बीटा। अब ये जो डबल बंद है ये तो अल्फा पर ही आ गया, डबल बंद पहले आ गया तो ये तो अल्फा पर ही आ गया ना, अल्फा पर आ गया मतलब ये तो एलिलिक हैलाइड नहीं है। एलिलिक हैलाइड वो होगा जिसमें ओनली बीटा पर ही आए, बीटा पर डबल बंद आ रहा है, आ तो रहा है, और ये तो देखो बैलेंस भी ज्यादा हो गई, 2 to 4 CH आएगा ओनली। अच्छा मैंने CH3 जोड़ दिया ना, इसलिए CH3 नहीं जोड़ते तो दिक्कत नहीं थी, CH3 जोड़ दिया इसलिए वैलेंसी का चक्कर पड़ गया। तो देखो ये तो आपका क्या नहीं है, एलिलिक हैलाइड नहीं है। क्यों नहीं है एलिलिक हैलाइड, क्योंकि यहाँ आपका अल्फा कार्बन पर डबल बंद हो रहा है। तो फिर एलिलिक हैलाइड होंगे क्या, देखो इसको थोड़ा और बढ़ा दे, चैन को CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ C तो आपका हो जाएगा X। तो देखिए और इसकी वैलेंसी 1 2 3 4 वैलेंसी देखो पहले कंप्लीट हो गई क्या, 2 3 4 हो गई, 1 2 3 4 कंप्लीट, 2 और 2 हाइड्रोजन के 4 कंप्लीट है ना सबकी वैलेंसी, 2 हाइड्रोजन और 2 ये 4, 2 1 हाइड्रोजन और 1 ये 4,
दो हाइड्रोजन एक ईयर एक हो गया ना, फोर कंप्लीट है तो सबकी। अब देखो फंक्शन ग्रुप किससे जुड़ रहा है, इस वाले कार्बन से जुड़ रहा है, ये हो गया आपका अल्फा कार्बन, इसके बाद वाला ये हो गया बीटा कार्बन और ये हो गया आपका गामा। तो देखो अल्फा कार्बन पर डबल बंद है क्या, नहीं है ना अल्फा कार्बन पर, फिर आ जाओ बीटा, बीटा पर डबल बंद है, बिल्कुल है, बीटा कार्बन पर डबल बंद है ना, है। तो ये आपका क्या होगा एलिलिक हैलाइड, ये आपका क्या होगा एलिलिक हैलाइड, ये आपका क्या है एलिलिक हैलाइड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है एलिलिक हैलाइड। तो एलिलिक हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड जिनमें अल्फा कार्बन के अलावा जो कार्बन है बीटा, अल्फा कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ रहा है, उसके आगे का जो कार्बन होगा वो बीटा, तो बीटा कार्बन क्या होना चाहिए, द्विबंधित होना चाहिए, द्विबंधित है तो वो आपके क्या होंगे एलिलिक हैलाइड होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हम थर्ड इसमें बेंजोइलिक हैलाइड, अब बेंजोइलिक हैलाइड क्या होता है ये बताना है। तो बेंजोइलिक बेंजीन आ रहा है हैलाइड आ रहा है, मतलब बेंजीन और हैलाइड दोनों ही हैलोजन दोनों ही काम में आएंगे। तो देखो बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर बेंजोइलिक हैलाइड क्या होते हैं, ऐसे हैलाइड जो बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर हैलोजन जोड़ने से प्राप्त होंगे। दो एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, ये हमारी हो गई जैसे बेंजीन, ठीक है। अब बेंजीन से हमने जैसे कोई कार्बन जोड़ दिया, ये हो गया कार्बन, और इसी से हमने क्या जोड़ दिया एक हैलोजन, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा बेंजोइलिक हैलाइड। बेंजोइलिक हैलाइड ऐसे हैलाइड होंगे जिनमें बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर, ये आपका बेंजीन, बेंजीन से ये कार्बन जुड़ रहा है, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन पर ही आपका हैलोजन जुड़ता है, हैलोजन प्रतिस्थापित होकर आएगा ना, तो वो किस पर आना चाहिए, जिस कार्बन पर आपका बेंजीन जुड़ा हुआ है, या बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजोइलिक हैलाइड कहलाते हैं। जैसे X की जगह पर हम ऐसे भी मान सकते हैं CH2Cl, X की वैल्यू, X की जगह हम मान क्या रख सकते हैं यहाँ पर हैलोजन की जगह FClBrI, ठीक है। तो हमने X की जगह क्या रख दिया Cl रख दिया। अब देखिए ये आपका क्या बन गया, आपको इसका जैसे नामकरण करना हो तो आप दो तरह से कर सकते हो, या तो क्या बोलोगे क्लोरो बेंजीन बेंजाइन, ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, देखो एक्स को इसको क्या बोलेंगे क्लोरो 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 हो गया, ये मेथिन मिथेन, तो मिथेन तो बाद में आएगा अंग्रेजी वर्ण वाला अनुसार करते हैं नॉर्मल के लिए, चलो कल बताएंगे, और ये हो गया फेनिल, तो क्लोरो फिनाइल या फेनिल, फिनाइल भी बोल सकते हैं या फेनिल, ठीक है, क्लोरोफेनिल मीथेन बोल सकते हैं या क्लोरोफिनाइल मेथेन, इंग्लिश हिंदी में चक्कर पड़ जाता है, हिंदी में फिन क्या बोल देते हैं, इंग्लिश में क्लोरोफिनाइल मेथेन, और इसको फिनाइल को ही हम फिनाइल भी बोल सकते हैं, या तो है क्लोरोफिनाइल मेथेन, और हिंदी में बोलेंगे तो क्लोरोफेनिल, फिनाइल फेनिल कोई चक्कर नहीं है, ठीक है, या क्लोरो बेंजोइल, क्या बोल सकते हैं इसी का दूसरा नाम क्लोरो बेंजोइल, या हम इसको ये भी बोल सकते हैं क्लोरो बेंजोइल, इसी को क्लोरो बेंजोइल भी बोल सकते हैं। तो बेंजोइलिक हैलाइड हो गया। अब लास्ट हम पढ़ लेते हैं sp2 संकृत वाले के दोनों प्रकार, उसके बाद में कल से नया टॉपिक नोमन क्लेचर पढ़ेंगे, कल से क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट नया टॉपिक नोमन क्लेचर, मतलब नामकरण पढ़ेंगे कल से एल्केनों का, सबसे अच्छा टॉपिक है लेकिन ढंग से पढ़ना है। देखो अभी हम क्या पढ़ेंगे sp2cx वाले, ये इनके प्रकार sp2cx में अपना पहला हमारा क्या था, एक तो हमने पढ़ा था विनाइलिक, क्या लिखा था विनाइलिक, एक तो हमने लिखा था विनाइलिक हेलो एल्केन, और एक हमने क्या लिखा था एरिल हेलो एल्केन,
यही थे। देखो विनाइलिक एल्केन क्या होंगे, विनाइलिक एल्केन देखो हम पढ़ किस कर रहे हैं, sp2 संकरित कार्बन पर, ये अगर आपको मैं समझ में आ गया तो विनाइलिक भी आ जाएगा। ये मैंने आपको बताया था कि यदि जिस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो sp2 संकरित हो, sp2 संकरित कब होगा, जब उस पर डबल बंद बन रहा हो। बताया ना डबल बंद का मतलब sp2 होता है, डबल बंद का मतलब क्या होता है sp2, फर्स्ट में बता दिया sp3, एक बंद बनाएगा तो sp3, दो होंगे तो sp2, तीन बंद होंगे तो sp संकरण। तो यदि आपका जो हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो sp2 संकरित हो, मतलब जिस पर डबल बंद आ रहा हो, तो वो आपका कहलाएगा विनाइलिक, क्या कहलाएगा, विनाइलिक हेलो एल्केन। विनाइलिक हेलो एल्केन ऐसे हेलो एल्केन होंगे जिसमें जिस कार्बन पर एल्केन वो हेलोजन जुड़ता है, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ता है वह आपका क्या हो, द्विबंधित हो। जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ता है वह आपका क्या हो, द्विबंधित हो। तो ये आपका देखो इसी कार्बन पर तो जुड़ रहा है हेलोजन, द्विबंधित है ना, ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हेलो एल्केन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, sp2 संकरित है कि नहीं है, ये देखो ये सिग्मा लेकिन ये भी सिग्मा, ये आपका क्या गया पाई वन, तो sp2 संकरित है, तो इसका प्रकार विनाइलिक हो गया। और भी प्रकार ले सकते हो, और ले सकते हो कैसे, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH X। अब ये किस प्रकार का है, तो इतने बड़े समय क्या लेना देना हमें, तो ये देखो कि एक्स कहाँ जुड़ रहा है, इस कार्बन पर, इस पर डबल बंद है क्या, बिल्कुल है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हेलो एल्केन। नोमेनक्लेचर कल करेंगे, सबको करेंगे, कोई टेंशन नहीं लेने का नोमेनक्लेचर की, अभी हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पे ध्यान दो। तो ये आपका क्या कहलाएगा, विनाइलिक हेलो एल्केन, या sp2 संकरित कार्बन पर हेलोजन जुड़ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, विनाइलिक हेलो एल्केन। नेक्स्ट है आपका एरिल हेलो एल्केन, एरिल हेलो एल्केन, एरिल हेलो एल्केन उनको ही कहते हैं, हेलो एरिन को, कल हमने पढ़ा था ना हेलो एरिन क्या होता है। एरिल हेलो एल्केन में ये जो आपका बेंजीन है इस पर डायरेक्ट क्या जोड़ दें हम, एक्स, बेंजीन के साथ डायरेक्ट एक्स जुड़ रहा है तो वो होगा एरिल हेलो एल्केन। ठीक है ना, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक्स आपका यहाँ यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो एरिल हेलो एल्केन, अब आप पूछे मैम एरिल हेलो एल्केन और बेंजोइलिक जो आपने तुरंत पहले पढ़ाया था इनमें अंतर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो देखो बिल्कुल अच्छा ऐसे समझ सकते हो आप, इसमें आप डायरेक्ट इसी से हेलोजन जोड़ते हैं, एरिल हेलो एल्केन, या इसी को हमने क्या नाम दिया था कल, हेलो एरिन, क्या नाम दिया था, हेलो एरिन। तो इनमें तो क्या होता है, डायरेक्ट इसी से जुड़ेगा बेंजीन से ही, डायरेक्ट बेंजीन से हेलोजन जुड़ता है, डायरेक्ट बेंजीन से ही आपका हेलोजन जुड़ता है, डायरेक्ट बेंजीन से हेलोजन जुड़ेगा तो हेलो एरिन या एरिल हेलो एल्केन होगा, जबकि अगर आपका किससे जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ने वाले कार्बन से जुड़ेगा, बेंजीन से जुड़ने वाले कार्बन से जुड़ेगा तो बेंजोइलिक। अंतर क्या है, इसमें तो बेंजीन से जुड़ने वाले कार्बन, इस कार्बन पर है ये फंक्शन ग्रुप है ना, ये जो फंक्शन ग्रुप है वो इस कार्बन पर ऐड हो रहा है, और जबकि यहाँ एरिल में क्या होगा, डायरेक्ट इसी बेंजीन से ऐड होगा। यहाँ हम बात करें तो ये आपका किस प्रकार का होता है, कौन से प्रकार का होता है, ये sp3cx, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ देखो आप डायरेक्ट ये देखो कि इसमें कितने बंद है, कैसे बंद है, देखो इस वाले कार्बन पर, जिस कार्बन पर हेलोजन जुड़ रहा है ना उसको देखो, इसको देखो कितने बंद है, एक बंद ये रहा एक बंद ये रहा, इन दो हाइड्रोजनों का मतलब भी ये क्या है, बंदी है, तो ये भी सिग्मा ये भी सारे सिग्मा है, मतलब ये जो विनाइलिक है ये आपका किसका, विनाइलिक नहीं, ये जो बेंजोइलिक हेलो एल्केन है किसका उदाहरण है, sp3cx का है, क्योंकि सारे ही सिग्मा 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 है। यहाँ हम बात करें इसकी संरचना क्या होती है बेंजीन की, यहाँ यहाँ एकांतर क्रम में डबल बंद होता है ना, अब मान लो आपका हेलोजन यहाँ जुड़ा है, तो देखो इसमें यहाँ सी होगा ना, क्या होगा इसकी जगह सी, अब इस सी से ये डबल बंद तो नीचे है, ये एक बंद इधर जा रहा है, और यहाँ पर भी सी होता है, कल बताया था आपको।
ठीक है, और ये एक आपका क्या हो गया x, इस इसको खोला है बस, इस पार्ट को खोला है। तो यहाँ देखो ये तो सिग्मा बंद है, ये भी सिग्मा बंद है, यहाँ आपका ये डबल बंद आ गया ना, तो फिर क्या हो गया एस पी टू संकृत फॉर्म। यहीं से पता लग गया ये जो सी आपका, ये जो एक्स आपका जुड़ रहा है जिस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ रहा है, इसमें ये डबल बंद है, तो ये हो गया एसपी टू संकृत। तो एसपी टू संकृत का ये क्या हो गया हेलो एरिन। तो आज हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है, कल हम क्या पढ़ेंगे इनका नामकरण पढ़ेंगे। इस वीडियो को ढंग से अच्छे से पढ़ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।